गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किसके बारे में, टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में। टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि टैक्स अथॉरिटी कौन कौन सी टैक्स अथॉरिटी होती है, ठीक। फिर टैक्स अथॉरिटी के हमने पावर्स को समझा, ठीक, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उनको क्या समझेंगे, उनके ज्यूरिडिक्शन को समझेंगे, ठीक है। वो क्या क्या जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका क्या क्या ज्यूरिडिक्शन होता है, उनका स्कोप कहाँ तक होता है, वो कहाँ तक जाकर अपने कार्यों को कर सकते हैं, इस आधार पे हम ये देखेंगे कि जो टैक्स अथॉरिटी होती है, सबसे पहला कौन सा सरकार होता है, ठीक। सबसे पहला सरकार होता है उसका इसका कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का क्या करना, एरिया निर्धारित करना कि वो किस एरिया तक जाकर काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निर्धारित करते हैं, टैक्स अथॉरिटी का, ठीक से, फंक्शनिंग एरिया। ठीक, टैक्स अथॉरिटी का फंक्शनिंग एरिया, अब फंक्शनिंग एरिया ऑफ टैक्स अथॉरिटी, ठीक। अब टैक्स अथॉरिटी का फंक्शनिंग एरिया यहाँ पे जहाँ तक किसी व्यक्ति की कोई इनकम हो रही होगी, ठीक है, जितने प्रकार के हमने देखा, ठीक, पांचों हेडों में हिसाब से, वहाँ पर टैक्स अथॉरिटी की क्या पूरा इनकम उसकी एरिया माना जाएगा, वहाँ तक वो जाकर टैक्स की लाइबिलिटीज को क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है और टैक्स कलेक्शन कर सकता है ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है। बात समझ में, ठीक। तो उसका एरिया मुख्य रूप से कहाँ कहाँ तक होता है, उसका एरिया मुख्य रूप से जहाँ तक वह टैक्स को जनरेट कर सकता है, जहाँ तक टैक्स की लाइबिलिटीज को क्रिएट कर सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक, फंक्शनिंग एरिया ऑफ टैक्स असेसमेंट। टैक्स का असेसमेंट कहाँ तक किया जा सकता है, कौन कौन सी इनकम को जोड़ा जाएगा, कौन कौन सी इनकम को हटाया जाएगा, ये सब किसके कार्य होते हैं, टैक्स अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी इनकम को टैक्स को एग्जम्पशन दे सकती है, कौन से डिडक्शन दे सकती है, किसको टैक्सेबल बना सकती है, किसको ठीक टैक्सेबल नहीं बना सकती है, किस पे कितना परसेंट का अलाउंस दिया जाएगा, किस पे कितना परकुजिट दिया जाएगा, ठीक है, कितना इसमें डिडक्शन दिया जाएगा, कौन कौन सी चीज शामिल की जाएगी, ये सब टैक्स अथॉरिटी इस चीज़ का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक। अभी हमने दो चीजें देखी, फिर अब हम देखते हैं थर्ड क्या है। अब ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ केसों को हम ट्रांसफर करने की पावर भी किसको, टैक्स अथॉरिटीज को होती है। जैसे कोई कोई ये किसमें है, ये सेक्शन 147 इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 127 के अंतर्गत यह आता है कि टैक्स अथॉरिटीज को यदि लगता है कि किस डिडक्शन को शामिल किया जाएगा, यदि उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चनेबल आता है, कोई एक्ट ऑफ नेचर में कोई प्रश्नगत किया जाता है किसी समस्या को लेकर, तो वो उस क्वेश्चन को सीबीडीटी को ट्रांसफर कर सकते हैं या हाई कोर्ट या कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते हैं। तो बात समझ में आई, उसमें कौन सुनवाई करेगा, डायरेक्टर। देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टर, ठीक, जनरल डायरेक्टर या मेन जनरल डायरेक्टर जो होते हैं उनके सुनवाई करने से पूर्व अवसर प्रदान करते हुए किसे उसके ऑर्डर को ट्रांसफर करने के कारण को लिखित करके, ठीक, उसके टैक्स अथॉरिटीज को क्या किया जाएगा, दूसरे टैक्स अथॉरिटी यानी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड, जैसे कई बोर्ड बनते हैं ना, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड, उसको एक ऑर्डर बनाया जाएगा, ऑर्डर में उचित सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद उसके केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, यदि ऐसा कोई मामला आता है टैक्स असेसमेंट के संबंध में, ठीक है, जो कोई टैक्स अधिकारी कर रहा है तो वह एक कार्यालय से, ठीक है, जिसके द्वारा एक कार्यालय शहर में स्थित है, एक स्थान पर ही हो, ठीक, तो उसका अवसर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी कि बिना सुनवाई के अवसर दिए जाने के बाद टैक्स अथॉरिटी के द्वारा उसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर ऑफ द टैक्स
ठीक है, पावर ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज, क्या पावर ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर। पावर ऑफ द टैक्स ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर के कौन कौन से पावर होती है। ठीक, तो ये सेक्शन किसमें दिया गया है, 131 से लेकर 135 तक। ठीक, अब हम देखते हैं टैक्स ऑफिसर के कौन कौन से पावर होते हैं। ठीक, सेक्शन 31 देखते हैं। सर्च सीजर, सर्च करने का और एविडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का। ठीक है, कोई भी टैक्स ऑफिसर क्या होता है, खोज तथा साक्ष्य के प्रस्तुत करने के संबंध में पावर। ठीक है, सर्च करने का और एविडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का पावर, ठीक, टैक्स अथॉरिटी के पास। ठीक, इस सेक्शन में क्या बताया गया है, यह बताया गया है कि इस अधिनियम के, ठीक है, प्रोविजन के अनुसार टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, ठीक है, और कौन, सब कमिश्नर, अपील या ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक, ये सब जितने में होंगे उनमें क्या क्या शक्ति होगी, सर्च और सीजर करने की, ठीक है, खोज और निरीक्षण करने की, किसी व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति को व्यक्ति के रूप से उपस्थित तथा शपथ पत्र पर परीक्षण लेने की, ठीक है, क्या करने की, खोज करने की, ठीक है, और क्या करने की, किसी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप से क्या लेने, एफिडेविट पर क्या लेने की शपथ, और क्या कहते हैं, एफिडेविट पर क्या करने की, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए उस पर एफिडेविट पे अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक, कमीशन जारी करने के संबंध में, ठीक है, लेखा पुस्तिकाओं के संबंध में, क्या करने में, कोई कागज से जरूरत होती है, तो कौन कौन करता है, क्या कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, खोज करके उसे सारे पुस्तकों को क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, खोज कर सकते हैं, सर्च है, ऑब्जर्वेशन, सर्च एंड सर्च और ऑब्जर्वेशन। ठीक, प्रेजेंट रूप, प्रेजेंट होने के लिए एफिडेविट पे शपथ पत्र के रूप पे शपथ लेते के आधार पर ही प्रकट किया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है, किस पे, एफिडेविट पर उसका क्या, उसकी जमानत, अरे क्या कहते हैं उसको, अपने साक्ष के रूप में प्रकट करने के लिए, ठीक है, बुलाया जा सकता है। लेखा पुस्तिकों का निरीक्षण करना, ठीक है, लेखा पुस्तिकों का निरीक्षण करने का भी अधिकार अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, इसके संबंध में कोई चीज मंगाया जाना है तो वो जारी किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एक सौ इकतीस सब क्लॉज एक ध्यान से सुनिएगा, पुलिस अथॉरिटी यानी कि टैक्स ऑफिसर को क्या क्या पावर दी गई है, टैक्स ऑफिसर को यह पावर दी गई है, यदि टैक्स ऑफिसर को, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर को क्या, यह सब हो जाता है, कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसके यहाँ पर रेट डालने का, ठीक, आपने देखा होगा इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो इनकम टैक्स की रेट किस रेट पड़ती है, सेक्शन 131 सब क्लॉज ए के अनुसार टैक्स असेसमेंट अधिकारी को यह लग जाता है कि टैक्स की चोरी की जा रही है, ठीक है, किसको किसको, डायरेक्टर को, सब डायरेक्टर को, ठीक है, असेसमेंट डायरेक्टर को, ठीक है, या किसी अथोराइज ऑफिसर को, यह सब हो जाता है, किसी प्रकार की कोई चोरी की जा रही है, टैक्स चोरी की संभावना है, तो ऐसे संबंध में, ठीक, क्या कर सकता है,
कहने का मतलब यह है, यह तो टैक्स अधिकारी को क्या लगता है, यदि टैक्स अधिकारी को यह लगता है किसी तरह से कोई चोरी की जा रही है, सेक्शन 31 सब क्लॉज ए के अनुसार उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर किया जा सकता है। ठीक है, अब 132 में क्या है, 132 में सर्च एंड सीजर का है। ठीक, सर्च एंड सीजर के, सर्च एंड सीजर का सर्च एंड सीजर की पावर। ठीक, सर्च एंड सीजर की पावर को समझते हैं, सेक्शन 132 में क्या दिया गया है, 132 में सर्च एंड सीजर की पावर, यदि किसी टैक्स असेसमेंट अधिकारी को यह लगता है कि उसने कहीं टैक्स की चोरी की है तो निम्न आधारों पर क्या किया जा सकता है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सकता है, जैसे बोर्ड द्वारा, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर, सब डायरेक्टर, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं सर्च एंड सीजर के लिए, उनके पास अथॉरिटी होती है, क्या होती है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिस, नोटिस इशू करेंगे या फिर समन इशू करेंगे। ठीक है, जितने भी उनका अकाउंट्स होगा जिसमें वो हिसाब करते हैं, उनके उनके हिसाब को क्या करेगा, प्रस्तुत किया जाने का, यदि प्रस्तुत किए जाने में असफल रहते हैं तब उन्हें ऊपर सर्च किया सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, जिस व्यक्ति को ऐसा नोटिस पहले समन भेजा चुका है वह हिसाब की पुस्तक, ठीक है, अन्य कार्रवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं करता है, ऐसी परिस्थितियों में सर्च एंड सीजर किया सकता है। और जो कोई व्यक्ति, जैसे कोई ज्वेलरी है, ज्वेलरी संबंधी या वैल्यूएबल जो थिंक है वो अपने कब्जे में रखता है, ठीक है, या छिपाने का प्रयास करता है या दिखाने से मना करता है, ऐसी परिस्थितियों में क्या है, या फिर डिक्लेरेशन नहीं करता है ऐसी प्रॉपर्टी का, ऐसी परिस्थितियों में सर्च एंड सीजर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो अथॉरिटीज होगी वो किन किन स्थानों पर सर्च एंड सीजर कर सकती है, ठीक है, किसी ऐसे भवन, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग, प्लेस, एरोप्लेन, उनको जहाँ पे ऐसा शक होता है, जहाँ पे उनको हिसाब की किताब की पुस्तकें मिल सकती हैं, वहाँ पे जाके उनको सर्च एंड सीजर कर सकता है टैक्स असेसमेंट अधिकारी। ठीक है, ठीक, और कहाँ कहाँ जाकर कर सकता है, किसी दरवाजे में, ठीक है, किसी लॉक में, किसी तिजोरी में, ठीक है, तिजोरी को तोड़ना, ठीक है, उसकी चाबियां ना उपलब्ध हो उसको तोड़ने का भी राइट दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, कोई हिसाब किताब में कोई कॉपी है जिसमें दस्तावेज से टैक्स के संबंध में कोई जानकारी मिल सकती है, तो ऐसे परिस्थितियों में क्या कर सकता है, कोर्ट यानी कि टैक्स असेसमेंट अधिकारी खोजबीन कर सकता है और उसे जब्त कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 132 के अनुसार आपने देखा होगा जब्त करते हैं। ठीक, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई टैक्स असेसमेंट अधिकारी है, ठीक है, कोई टैक्स असेसमेंट अधिकारी है, कोई उसकी किसी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, जब्त कर ली गई है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके किसी पार्ट को अपने पास रखी गई है, मांग ली गई है, तो ऐसे ही टाइम पे, ठीक है, क्या होगा, जब पूरा टैक्स असेसमेंट कर दिया जाएगा तो ऐसे परिस्थिति कंप्लीट हो जाने के बाद उस व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी जिसके जब्त की गई है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उस पर टैक्स असेसमेंट करके तमाम चीज़ों को कार्रवाई करके उसे लौटानी पड़ेगी। ठीक, बात समझ में आई, और क्या चीज़ है, कोई टैक्स असेसमेंट अधिकारी, ठीक है, जो अपने टैक्स का भुगतान कर देता है, एसएससी अपने टैक्स का भुगतान कर देता है किसको, टैक्स असेसमेंट अधिकारी को, तो ऐसी परिस्थितियों में जो उसके ऊपर टैक्स का इम्पोजिशन किया जाएगा, वो टैक्स का इम्पोजिशन किस आधार पर किया जाएगा, उसके टैक्स का इम्पोजिशन उसकी जो मान लीजिए कोई संपत्ति जब्त की, ठीक है, तो उसको जब्त करने के बाद उस पर जितना टैक्स असेसमेंट करेगा, टैक्स भेजाने के बाद उसकी सारी संपत्ति लौटा दी जाएगी। ठीक, तो हमने 132 में ये चीज़ें देखी। ठीक है, 133 अब क्या आ जाता है, 132A। टैक्स असेसमेंट अधिकारी को क्या पावर दी गई है, पावर क्या है, वह क्या कर सकता है, 132 सब क्लॉज ए के अनुसार डिमांड ऑन द अकाउंट्स बुक, यानी कि लेखा पुस्तकों की आवश्यकता पड़ने पर लेखा पुस्तकों की मांग कर सकता है कि उसमें कितने कितने में क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, उसके संबंध में समझते हैं,
टैक्स असेसमेंट अधिकारी, टैक्स असेसमेंट अधिकारी में कौन आ जाएगा? डायरेक्टर आ जाएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर आ जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाएगा, सब डायरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। वह लेखा पुस्तकों की जांच कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट डिटेल्स की, अकाउंट डिटेल्स की जांच कर सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में? इसमें कुछ परिस्थितियां समझते हैं। पहला क्या है? एनी पर्सन के, किसी पर्सन को क्या कहेंगे? समन दिए जाने के बाद, ठीक है, समन दिए जाने के बाद उसे खाता पुस्तक उनके अकाउंट डिटेल की पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है, इस परिस्थितियों में डॉक्यूमेंट की जांच कर सकते हैं। अगला क्या है? जो अकाउंट डिटेल दी गई है, ठीक है, जो अकाउंट डिटेल दी गई है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई ना होते हो, कौन पूरी तरह सेटिस्फाई ना होते हो, कौन नहीं समझ सेटिस्फाई होते हैं, टैक्स असेसमेंट अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? वो जांच कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में। और क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो फुली या पार्टली छिपाई गई होती है, फुली या पार्टली इनकम टैक्स के रूप में छिपाई गई होती है ऐसी अधिकारियों की, तो ऐसे अधिकारी उसके डिटेल की जांच कर सकते हैं, ठीक। तो बात समझ में आई? यहां तक ये चार पावर हो गए। फोर्थ, फिफ्थ पावर क्या है? फिफ्थ है, इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब सूचना मांगने की शक्ति, ठीक है। सूचना मांगने की शक्ति के मतलब कोई भी जो अधिकारी होता है अधिनियम 133 के अनुसार क्या कर सकता है? कोई भी टैक्स असेसमेंट अधिकारी किससे, उसको जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो सूचना मांग सकता है, ठीक। अब 133A में क्या देखते हैं? सुपरविजन करने की शक्ति, सर्वेक्षण करने की शक्ति, आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 134 में देखते हैं, 134 में कोई कंपनी के हैं, कोई कंपनी के अकाउंट डिटेल्स की जांच करना, 134 में क्या है? कंपनी के रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने की शक्ति। अधिनियम में 134 में क्या क्या बताया गया? कोई टैक्स असेसमेंट अधिकारी जो चीज़ हमने उनको बताया थे उसमें, ठीक, क्या कर सकता है इस संबंध में? कोई एक लिखित क्या करेगा? लिखित अथोराइज किया गया होता है, कौन? कोई अथॉरिटी हो गया टैक्स असेसमेंट अधिकारी, जो लिखित अथोराइज किया गया होगा वह अकाउंट डिटेल की जांच कर सकता है, जिससे कुछ दिक्कत लगती है अकाउंट डिटेल बताने में, ठीक। और पावर टू सर्च, जांच करने के इंक्वायरी, पावर टू इंक्वायरी पावर, 135 सेक्शन 135 क्या दिया गया है? जांच करने के सेक्शन, ठीक है। इस एक्ट में क्या बताया गया? जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी टैक्स अथॉरिटी अधिकारी जिसके बारे में हमने बात की थी, कोई भी जांच करने के लिए सक्षम होगा, वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी इस अधिनियम के अंतर्गत जो उन्हें टैक्स असेसमेंट के संबंध में रखा गया है, वो सभी शक्ति अपने पास रखेंगे, ठीक। हमने क्या क्या देखा है? पावर ऑफ टैक्स असेसमेंट अधिकारी की, वो क्या कर सकते हैं? वो सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं? तलाशी कर सकते हैं, ठीक है, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, आय का संदेह हो जाने पर आय के आप छुपाएंगे तो उसके लिए खोज भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? सूचनाएं मांग सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और कंपनी के रजिस्ट्रारों को भी चेक कर, रजिस्ट्रारों को भी चेक कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं? उनके पास जांच की शक्ति दी गई है, इतने पावर हैं पावर ऑफ टैक्स ऑफिसर के, ठीक। तो अभी तक हमने क्या है, इनकम टैक्स में लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वाले क्लास में हम जीएसटी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पहले थोड़ा टैक्स में दो तीन चीज़ें हम समझेंगे, जैसे एक दो पॉइंट समझ लेंगे, जैसे डुअल टैक्सेशन सिस्टम क्या है, क्या डुअल टैक्सेशन सिस्टम होता है। और देखिए, अब एक पैन कार्ड समझ लेते हैं, पैन कार्ड के बारे में क्या जानते हैं, ठीक। पैन कार्ड और डुअल टैक्सेशन सिस्टम के बारे में समझकर हम आगे वाली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।